हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपलोड कर देता हूं। एक 3 मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा, पूरे आंसर्स इसी के अंदर से आपको पूछे जाएंगे। आंसर्स के साथ मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए यहां से फर्स्ट कवि बिहारी लाल का परिचय अपने शब्दों में लिखिए, ये याद करना है कम्प्लीटली। आंसर यहां से याद कीजिए, अपने नोट से कहीं से भी याद कर सकते हैं। वर्षा की कभी या अधिकता हम पर कैसे प्रभाव डालती है, ये आपको लिखना है यहां से। और उसके बाद यहां पे देखिए, हिंदी सीखने का क्या लाभ है, इम्पोर्टेंट है। लेखक ने गोदावरी को माता क्यों कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कवि के द्वारा किए गए मजदूरों के अधिकारों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ये यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको पूरा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रैदास की भक्ति भावना का प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य की नींव एकांकी विशेषताओं अपने शब्दों में लिखिए, इम्पोर्टेंट आंसर है। उसके बाद ईदगाह कहानी में दादी और पोते का एक दूसरे के प्रति स्नेह आदर का चिंतन का वर्णन कीजिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। गर्मी के कारण आने वाली बीमारियों और उनसे बचने का उपाय बताते हुए पत्र, यहाँ पे कर पत्र तैयार करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। उसके बाद अपनी पसंद के त्यौहार के संबंध में मित्र वार्तालाप के संवाद में रूप लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके साथ साथ मैं एक ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा, ये ऑब्जेक्टिव भी चेक कर लीजिए, मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी यहाँ से। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया है मैंने ऑलरेडी, एक बार देख लीजिए आप जाने से पहले, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव भी क्या करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है आप सभी के लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ तक। उसके बाद अगर पोएम में अगर देखेंगे तो पोएम यहाँ पर देखिए, एक पोएम एक कोर्स भी आपको दे सकता है, इसकी कोई उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट एक और अपलोड करूँगा, देखिए यहाँ से सुमित्रानंद पंत के साहित्य का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। विष्णु प्रभाकर के बारे में आप क्या जानते हैं। लोकगीतों के विकास में स्त्रियों का क्या योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा क्यों लोकप्रिय बनती जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। माँ मुझे आनंद कविता का माध्यम का कवयित्री ने समाज को क्या संदेश देने का प्रयास किया है। बरसते बादल कविता और आधार पर प्रकृति का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अमीना के स्थान पर आप होते तो चिमटा पाकर कैसे प्रतिक्रिया करते। अब्दुल कलाम के साक्षरता को अधिक महत्व क्यों दिया गया है। यहाँ पे पर्यावरण और प्रदूषण विषय पर निबंध आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए अधिकारियों के नाम पर, यहाँ पे सड़कों के किनारों पर अधिकारी अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए अनुरोध करते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र यहाँ पे लिखना है, उसका लेटर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस पेपर से जुड़े हुआ ऑब्जेक्टिव भी मैंने सॉल्व कर दिया है, एक बार ये ऑब्जेक्टिव भी चेक कर लेके जाइए ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह लिख सकें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है क्योंकि आपको 20 मार्क्स देगा ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है, यहां तक के लिए ऑब्जेक्टिव है। चलिए एक और पेपर अपलोड कर देता हूँ आप सभी के लिए, बस ये 3 पेपर अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। फर्स्ट कवि रहीम का परिचय अपने शब्दों में लिखिए, एक है। बरसते बादलों को देखकर किसान क्यों प्रसन्न होते हैं, एक है। हमिद के स्थान पर आप होते तो दादी का कैसा व्यवहार करते। जल ही जीवन है इस पाठ को दृष्टि में रखकर बताइए कि यहाँ पर 22वीं सदी का भारत कैसे होगा। हमारे समाज में परिश्रम करने वालों का जीवन स्तर निम्र क्यों होता है, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रौदास और मीराबाई के भक्ति पद इस पाठ के आधार पर बताइए कि दोनों की भक्ति में मुख्य अंतर है, यहाँ पर आपको लिखना है। दक्षिण गंगा गोदावरी में वर्णित प्रकृति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ये। उसे समाज को शिक्षित करने में छात्रों की भूमिका पर APJ अब्दुल कलाम के विचारों पर प्रकाश डालिए,
यहाँ पर अपने पसंद के खेल के संबंध में मित्र की वार्तालाप तय कीजिए, उसके बाद यहाँ तक देशभक्ति के महत्व पर 5 नारों का सूजन कीजिए, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया है, ये ऑब्जेक्टिव एक बार चेक कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप का पेपर आपको आएगा। ऑल द बेस्ट।